पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में नगर निगम चुनाव तीसरे चरण में संपन्न कराया जाएगा। इस चुनाव के लिए मुरादाबाद में 4 नवंबर से नामांकन कार्य को शुरू किया गया, जिसके बाद 10 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस नामांकन प्रक्रिया में मुरादाबाद महापौर पद के लिए बड़े राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टी ने भी अपनी हाजिरी दर्ज कराई। 10 नवंबर तक 18 मेयर पद के प्रत्याशियों ने नामांकन कराया और अपनी जीत का भी दावा किया। मुरादाबाद में महापौर पद के लिए 18 मेयर प्रत्याशियों ने नामांकन कराने के बाद अब 13 नवंबर को यह देखा जाएगा कि कितने प्रत्याशी नाम वापस लेते हैं या फिर 18 मेयर प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे। यदि ऐसा होता है तो प्रशासन के सामने एक समस्या खड़ी हो सकती है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह ने बताया कि 4 नवंबर से शुरू हुए नामांकन 10 नवंबर को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए गए। सारे दिन के नामांकन कार्यों पर नजर डाली जाए तो 18 मेयर प्रत्याशी ने नामांकन कराए हैं। वहीं मुरादाबाद के 70 वार्ड में 576 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कराया है, जिसमें प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, शिवसेना इत्यादि, मुस्लिम पीस पार्टी के साथ निर्दलीय के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नामांकन कराने पहुंचे कलेक्टर पर सभी पार्षद प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि हम अपने क्षेत्र का तेजी के साथ विकास करेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्र वासियों को दिलाएंगे, क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्षेत्र में समस्याएं बहुत हैं, बस उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की जरूरत है। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कलेक्ट्रेट के गेट पर प्रत्येक व्यक्ति की पूछताछ की जा रही थी, तभी कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा था। यही वजह है कि शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। क्या नाम है आपका? कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं? साइकिल से। क्या नाम है आपका? प्रीति पार्शा। आपने अपनी पत्नी का नामांकन कराया, क्या नाम है उनका, कौन से वार्ड से चुनाव? प्रीति पार्शा वाल्मीकि नाम है उनका। मैं सचिन पार्शा वाल्मीकि, समाजवादी पार्टी शाहपुर तिगरी वार्ड नंबर 1 से। समाजवादी पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया गया है और हम समाजवादी पार्टी को वार्ड नंबर 1 से जो सीट है वो हम निकाल कर देंगे। किन मुद्दों के साथ में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे वार्ड नंबर 1 में बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। जो बीजेपी की पहले पार्षद थे हमारे कृष्ण कुमार काले जी, उन्होंने हमारी जो सड़कें वगैरह जो नहीं है हमारे क्षेत्र में, सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, खड़ंजे नहीं है, बिजली की बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं जो उन्होंने नहीं कराई हैं। सो हम कराने का काम करेंगे अगर हम जीतते। किसी पार्टी से नामांकन कराया आप? जी, मेरा नाम जिशान शमसी है, लाजपत नगर 21 वार्ड, समाजवादी पार्टी से। अपने वाइफ का मैंने संबल कराया है। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, क्या करेंगे आप? समस्या है, नाली है, रोड है, ये सभी टूटे हुए हैं, सभी सही कराने हैं। और लाइटों की बहुत परेशानी है, अंधेरा गुफ रहता है, परेशानी होती है लोगों को, लाइटें भी लगवानी है। सारे काम ये लेके चलने हैं जिम्मेदारी के साथ पूरी। पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे, तो मैं ये बहुत अच्छी तरह से निभानी है। सर नजमा जी, आपने कौन से वार्ड से नामांकन कराया और कौन सी पार्टी से? हमने आज़ाद। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में जो दूर करना चाहिए? ये है, बहुत सी हैं, गड्ढे, नाली, सड़कें वगैरह, ये सब ये कराएंगे। और क्या, इससे पहले भी आप चुनाव लिए हैं? 2260 वोट जी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी। पिछली बार आपके चुनाव लड़ी थी आपसे 10 साल पहले। किन यही मुद्दे हैं कि जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, इंशाल्लाह ताला पहले भी हल कराई थी और अब भी हल कराएंगे, क्योंकि वहां के कुछ लोग हमसे ऐसे जुड़े हुए थे, काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि आप जो पहले मेंबर थे वो बेस्ट हैं, आप लोग खड़े हुई हैं। उन लोगों ने हमें पूरी सपोर्ट दी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में आई और हमने मम्मी को अपनी फिर से जो है नजमा मशकूर को खड़ा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की उम्मीद बरकरार रखेंगे और अच्छा ही सहयोग रहेगा हमारा हमेशा उनके साथ में। धन्यवाद। नगर निगम चुनाव के नामांकन कब से शुरू हुए थे, आज और कब तक चले और क्या व्यवस्थाएं रही पूरे? आज नगर निगम चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था। आज नगर निगम महापौर पद के लिए नए जो नामांकन दाखिल हुए हैं, 7 नामांकन दाखिल हुए हैं। इस प्रकार से 18 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए हैं, कुछ ने 2 सेट में दाखिल किए हैं, कुछ ने 1 सेट में दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग समीक्षा कल दिनांक 11/11/2017 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी
और जब तक किसी को कोई आपत्ति देना है तो अपनी आपत्ति वो 11 बजे से पहले पहले दे सकता है और उसके बाद दूसरे प्रति उसको कापी देकर दोनों पक्षों को सुनवाई करने के बाद आपत्ति का निस्तारण करते हुए नामांकन प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। नाम वापसी कब तक की जा सकती है? नाम वापसी स्क्रूटनी के बाद 13 को सोमवार को नाम वापसी है और चुनाव चिन्ह आवंटन 14 को होने हैं। कैसा नामांकन प्रक्रिया रही पूरे 5 दिन सर रहा आपने? 5 दिन में कहीं कोई समस्या नहीं आई, नामांकन बहुत स्मूथली हुआ और किसी तरह से किसी अभ्यर्थी को नामांकन करने वाले को किसी तरह से कोई समस्या नहीं आई। अब तक कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? 18 प्रत्याशी अभी तक मैदान में हैं। नामांकन करने वालों की संख्या 18 है, 18 प्रत्याशी अभी मैदान में हैं। ईवीएम में कितने प्रत्याशी शामिल हो सकते हैं? ईवीएम में 16 प्रत्याशी शामिल हो सकते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ प्रत्याशी अपना नाम वापस करेंगे क्योंकि डमी कैंडिडेट्स हैं, डमी कैंडिडेट्स अपने वापस लेंगे।